हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आकाश वर्मा अपने चैनल स्टडी बाय स्काई पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आइए 2 और 3 नवंबर का करंट अफेयर्स देखते हैं। कह रहे हैं कि एशियाई शूटिंग चैंपियंस 2023 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है? ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने। किसने जीता है? ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने। किसने जीता है? ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने। भारत के किस स्टेडियम में महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? वानखेड़े स्टेडियम में। कहाँ पर किया गया है? वानखेड़े स्टेडियम में। 3 साल सॉरी तीसरा है, साल 2023 के ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज किसे सम्मानित किया? नंदनी दास को। किसको? नंदनी दास को। किसको सम्मानित किया गया है? नंदिनी दास को। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो याद कर लीजिएगा, नंदिनी दास को। श्रीलंका के त्रिकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किसने किया है? निर्मला सीतारमण ने। किसने किया है? निर्मला सीतारमण ने। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के नए सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दीपेश नंदा को। किसे नियुक्त किया गया? दीपेश नंदा को। ठीक है। किसी वनडे विश्व कप में 4 शतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? क्विंटन डीकॉक। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या कह रहा है कि फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सऊदी अरब। कौन सा देश करेगा? सऊदी अरब। कौन सा देश करेगा? सऊदी अरब। लेखिका नंदिनी दास को किस पुस्तक के लिए ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 के लिए दिया गया? बुक जो है कोर्टिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए दिया गया है इनको। ठीक है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और मनीषा कीर, पृथ्वीराज टोंडीमल को मिश्रित ट्रैप टीम ने एशियाई शूटिंग चैंपियंस 2023 में मेडल जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। कि ये 3 नवंबर के करंट अफेयर्स हैं। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने। किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने। किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने। ठीक है। भारत के हाल ही में किस देश के साथ मोबिलिटी एवं माइग्रेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? इटली। ठीक है। वनडे विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? मोहम्मद शमी। कौन है? मोहम्मद शमी। ठीक है। मोहम्मद शमी। और चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? शिक्षा मंत्रालय के साथ में। भारत में पहले अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना के डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन किया है? सर्वानंद सोनेवाल ने। किसने किया है? सर्वानंद सोनेवाल ने। किसे हाल ही में दूसरे रोहिणी नायर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसको सम्मानित किया गया? दीनानाथ राजपूत को। तो दोस्तों, ये रहा 2 और 3 नवंबर का वन लाइनर करंट अफेयर्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ग्रुप में शेयर करें। धन्यवाद।